माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम कहीं एक न्यू प्लेस पे जा रहे हैं जो मैंने तो देखी हुई है बट आपको एक्सप्लोर करवाना है आज मैंने, क्योंकि मैं दोबारा जा रही हूँ वहाँ पे और वो न्यू प्लेस है आप लोगों के लिए भी और है तो पूरे राजस्थान में कहीं पे भी, लेकिन मैं बता दूंगी कहाँ पे है। एक बार आप मेरा पूरा ब्लॉग देख लो फिर आपको पता चल जाएगा। और मेरे साथ है आज मेरी दी और साथ में हमारे आगे पेरेंट्स भी है, एक फैमिली ट्रिप जैसा ही है ये। सो मैं आपको दिखाती हूँ आगे, हमारी एक और गाड़ी है जो कि आगे जा रही है और क्योंकि हम उसमें आए नहीं, फिट नहीं बैठे सारे, इसलिए हम अपनी एक और गाड़ी लेके जा रहे हैं। दो गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं हम साथ में। ये मेरा कज़न कार चला रहा है और यहाँ मेरे पापा बैठे हैं और आगे में मेरे बड़े पापा वगैरह जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं इधर वो बैठे हैं। सो दिखाते हैं आपको कहाँ जा रहे हैं आज हम। मौसम ठंडा हो रहा है, बारिश का मौसम है, सो पहाड़ एकदम ग्रीन ग्रीन दिखाई देंगे, व्यू बहुत तगड़े आएंगे। यहाँ से मेन गेट शुरू हो जाता है इस प्लेस का। ये लोहागढ़ में जो कि एक तीर्थ स्थल है और यहाँ पे आम का अचार वगैरह बहुत फेमस है, अचार यहाँ के बहुत फेमस है और यहाँ पे आम वगैरह लगे हैं जैसे कि आप देख सकते हो। ये आम के पेड़ सारे, हाँ आम के पेड़ हैं सारे और काफ़ी फेमस जगह है ये। तो आ गई हमारी एक और गाड़ी, हाँ हमारी एक और गाड़ी आ गई है। सो आधे मेंबर्स यहाँ पे हैं इस कार में। यहाँ पे पार्किंग की भी फैसिलिटी है, ये है पार्किंग अलॉट, यहाँ पे पार्किंग के पैसे वगैरह लगते हैं। यहाँ पे हमारे पार्किंग के 50 रुपीज़ लगे। ये हैं मेरे फैमिली मेंबर्स और ये दुकानें वगैरह लगी हुई हैं, यहाँ पे आप कुछ भी ख़रीद सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो तो। ये है अचार वगैरह जो फेमस है यहाँ पे मिलते हैं बने बनाए, ये एकदम मज़े में झूमती हुई मैं। यहाँ मैं बच गई, मेरा एक्सीडेंट होने वाला था बाइक वाले से। आप यहाँ आके कुछ भी ख़रीद सकते हो जो भी आपको चाहिए, अचार वगैरह ज़्यादा, अचार वगैरह फेमस है इसलिए यहाँ पर अचार ज़्यादा मिलेंगे आपको, ख़ास करके केरी का अचार। टॉयज़ वगैरह, टी शर्ट वगैरह, चेन वगैरह कुछ भी ख़रीद सकते हो यहाँ के। मालखेत का मंदिर ये है, यहाँ से आप ऊपर जा सकते हो और थोड़ा सा आगे जाके लक्ष्मी नारायण का मंदिर आएगा, वहाँ भी आपको दिखाएंगे। एक्चुअली ये लोहागढ़ में पड़ता है जो कि सिक्कर से आगे 30 किलोमीटर दूर है। लोहागढ़ जी का भी मंदिर से बोला जाता है जो कि सिक्कर से 30 किलोमीटर दूर है। सो आप आ सकते हो यहाँ पर। मेन मंदिर आने से पहले ये गुफा पड़ती है जो कि पहाड़ों से ही इसमें से पानी आता है और ये गंदा दिखेगा बट एकदम साफ क्लियर पानी है ये। उस गुफा के बाद यहाँ पे आपको कई मंदिर मिलेंगे, जैसे कि ये प्राचीन पांडव का मंदिर मिला है यहाँ पे। सो यहाँ पे पहले दर्शन करके जाते हैं अंदर। यहाँ पर पंचमुखी हनुमान का मंदिर वगैरह सबसे ज़्यादा मंदिर ही मिलेंगे यहाँ पर मेन मंदिर आने से पहले। 5 पांडव द्रौपदी का मंदिर है ये। यहाँ छोटी छोटी गलियाँ हैं तो उनमें से ही निकल के जाना पड़ता है मेन मंदिर के पास। सो इस गली को पार करते ही मंदिर आ जाता है। यह है मेन कुंड, वैसे तो यहाँ 7 कुंड है बट ये मेन है और यहाँ पे 5 पांडवों ने अपनी बेड़ियाँ गलाई थी, यहाँ पे गली थी उनकी बेड़ियाँ। ऐसा बोला जाता है कि दुर्योधन ने उन्हें वनवास दिया था, 7ों कुंड में नहाने के बाद उनकी बेड़ियाँ खुलेंगी ऐसा बोला जाता है। तो ये 7वें कुंड में, अंतिम कुंड में जाके इनकी बेड़ियाँ खुली थी यहाँ पर। सो ये वही कुंड है, ऐसा बोलते हैं यहाँ पे नहाना चाहिए बट मैं तो नहा के आई थी, बट हाथ पैर वगैरह धो सकते हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ हाथ पैर धोए और ऐसा बोला जाता है कि ये 12 महीने 1 साल कभी पानी नहीं सूखता और ये एकदम गुफाओं से निकला हुआ पानी, पहाड़ों से एकदम साफ है। मार रहे हैं, मेरा कज़न मुझे भी बुला रहा है बट मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं अपने कपड़े नहीं लेके आई हूँ यहाँ पर और वैसे नहा सकती हूँ अगर नहाना चाहूँ तो। काल मुख्य मंदिर है, विष्णु भगवान पूजा स्थल है, ये कुंड का पानी बह रहा है यहाँ से। ऐसे गीला कर दिया बुआ ने दीदी को, दीदी बोलते हैं नहाने वगैरह के बाद यहाँ पे विष्णु भगवान वगैरह को ये इसी पानी से नहलाना पड़ता है। तो मैंने नहलाया और फिर हाथ जोड़े चले।